तो ये पानी नीचे जाता हुआ ऐसा सीन है। और ये आ गए हैं हम इधर, और पप्पू भाई आते हुए एंड प्रकाश भाई भी आ रहे हैं, और ये दोनों काफी खुश हैं। एट द सेम टाइम मेरा भी व्यू मिलेगा आपको। ये वाला वाटर व्यू काफी अच्छा है, काफी अच्छा है, आप लोग पकड़ो। हम 10 बजे निकले थे, 10 बजे राइट, घर से 10 बजे निकले थे और 11:48 का टाइम बज रहा है और हम लोग पहुंच गए नयागढ़। और आई गेस बहुत जल्दी हम मोड़गा पहुंच जाएंगे और उसके बाद सीधा दारिंगबाड़ी। और भैया तो फुल ऑन मोड में भाई साहब, और यहाँ पे गाड़ी भी पूरा भगा रहे हैं, पूरा स्विफ्ट मूवमेंट में चल रहा है गाड़ी। और एट द सेम टाइम हम अपना रोड बदलते हुए, और भाई साहब और ये अपना पप्पू कैसन बा, नींद आ रहा है आपको? थोला। अरे सोया के नहीं? अरे बताओ तो थोड़े। नहीं आप तो सोना नहीं है, लेकिन आप पान खाओगे क्या? बनारस से पान खाओगे? आप नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो खाओगे तो बताओ, बिगाड़ करते हैं। मिलेगा तो क्यों नहीं खाएंगे? अच्छा ऐसा बात है, ठीक है भाई हम तुम्हें खिलाएंगे। और क्या भाई, ये एक बात हुआ, देखो खिलाओ रास्ते में। अरे मिलता है, अगर आग में कुछ आग बिचौली हुआ ना तो खिलाएंगे। मुझे तो लगता है नहीं मिलेगा, लेकिन देखो तुमको मिल जाएगा तो दे देना एक ठो मेरे को। ठीक है भाई, ठीक है हम तुमको खिलाएंगे। और ये गांधी जी का स्टैचू चला गया रहा, इसका मतलब में। So as you guys see, we are 46 kilometers away from the Daringbadi station, hill station I would like to say, and तो अभी यहाँ से हमारा प्लान तो कुछ अलग ही है, लेकिन जिस तरह आप पीछे देख रहे हो ये पूरा नेचर से भरा हुआ चीज़ें हैं। और एट द सेम टाइम बहुत कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, और आज का जर्नी काफ़ी कुछ होने वाला है, काफ़ी स्पेशल रहेगा द वे इट इज़ हैपनिंग एंड इट इज़ गोइंग टू बी ऑन आवर जर्नी। ये कुछ अलग ही होने वाला है जो शायद अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन आप लोग को जरूर दिखाने वाला हूँ। एंड एट द सेम टाइम हम जब दारिंगबाड़ी पहुँचेंगे वहाँ पे ड्रोन उड़ाने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें भी करेंगे। टिल दैट यू गाइस हैविंग सम काइंड ऑफ अ फन एंड एंटरटेन, दैट्स इट। सो अभी जो आप सीनरी देख रहे हो ये दारिंगबाड़ी जाने के टाइम का है, और हम जब पहले मॉर्निंग जा रहे थे दारिंगबाड़ी पहुँचने से 30 किलोमीटर पहले का है, और काफ़ी अच्छा सीन था, मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए। नक्शा तेरी जिंदगी में ये आपको दिखा रहा हूँ। लक यू गाइस हैव फन। अभी जो आप देख रहे हो हम लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी मस्ती के टाइम पे थे, एंड एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत इशू हुआ माइक को, एंड इसलिए हम थोड़ा यानी खामोश रहने की कोशिश की। और उसके बाद ये जो नज़र आप देख रहे हो ये दारिंगबाड़ी से जस्ट 15 or 18 किलोमीटर से गए है, और ये जगह पे आप जब पहुँचते हो मेक श्योर करना यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अगर आपके मन में है तो यहाँ पे कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा जगह है, और इस जो घाटी है वो घाटी एरिया में बस दो ही जगह ऐसे प्लेयर मिले, और दो ही ऐसी जगह है जहाँ पे आप फोटो शूट और वीडियो शूट कर सकते हो। ये काफ़ी फोटोजेनिक प्लेस है, एंड एट द सेम टाइम हिल टॉप जगह है तो काफ़ी ठंड था यहाँ पे, पर एट द सेम टाइम हम काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। एंड यू गाइस कैन रिलेट एंड अंडरस्टैंड कि मैं ये सब क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द थिंग कि आप लोग अगर जाओ तो आप लोग यहाँ पर रुक के आप फोटोग्राफी कर सकते हो। यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। एज यू गाइस सी आप लोग देख रहे हो मेरे को दारिंगबाड़ी पे, और दारिंगबाड़ी से आई थिंक ये कितना किलोमीटर है, आई गेस 18 किलोमीटर है, एंड स्टोन फॉलिंग एरिया लिखा गया है, ड्राइव केयरफुली भी लिखाया गया है, और मेरे पीछे एक पूरा बड़ा स्टोन है जो आप लोग दिखा रहा हूँ मैं अभी, जो बाद में दिखाने वाला हूँ। एट द सेम टाइम आप अगर पीछे देखोगे तो ये काफ़ी डीप है और काफ़ी गड्ढा वाला एरिया है, एंड इतना बड़ा फॉल है कि मुझे खुद डर लग रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आई एम हैविंग सम फन। एट द सेम टाइम जिस तरह ये पहाड़ दिख रहा है मुझे नहीं लगता कि ऐसा व्यू मैंने कभी नज़दीक टाइम पे लिया है, बट काफ़ी मशक्कत के बाद पप्पू भाई और मैंने मेक श्योर किया कि यहाँ आए, और हम लोगों ने ये वीडियो कैप्चर किया।
पीछे एक स्टोन है जो वो भी मैं दिखाऊंगा। एंड आप लोग ये पीछे की देख, पीछे की तरफ देख सकते हो, ये पहाड़ देख सकते हो, हवाबाजी चल रहा है वहाँ पे ओस है, और ये पूरा पहाड़ ऐसा होता हुआ पूरा एंगलिंग होके हुआ है। और अगर पूरा पीछे आप देखोगे वहाँ पे भी पूरा पहाड़ी पहाड़ दिख रहा है, और ऐसा कुछ है नहीं जहाँ पे आपको मैं यानी कुछ मैं आई थिंक आई एम स्पीचलेस राइट नाउ, आई डोंट नो व्हाट टू से, बट द थिंग इज दिस की द वे इट इज लुकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स समथिंग सीनिक, सुपर सीनिक, एंड यू गाइस कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ, इट्स समथिंग एल्स, सुपर, इट्स जस्ट स्पीचलेस राइट नाउ। एंड मैं आगे भी लेके जाऊंगा आप लोगों को और कुछ अच्छे अच्छे चीजें दिखाता हूँ, और ड्रोन व्यू भी आएगा अपना, फिर और मस्ती और धमाल और लाजवाब चीजें होने वाले हैं। सो टिल दैट पॉइंट यू गाइस हैव फन एंड एंजॉय दिस व्यू। ये नज़ारा अगर मैं डिस्क्राइब करूं, अगर वर्ड्स पे मैं यानी इसको मैं अगर आप लोगों को बोलूं तो कम ही लगेगा, क्योंकि जिस तरह व्यू है ये अलग ही सीन है। यानी पप्पू भाई द कैमरा पर्सन, पप्पू भाई से हेलो, या बड़ी ये स्टोन है देख सकते हो, पूरा पहाड़ है, पूरा पहाड़ ऐसा लग रहा है मैं नेचर के पीछे बैठा हूँ, नेचर के अंदर बैठा हूँ, छू ही सकता हूँ ऐसा लग रहा है। एंड द व्यू इज लाइक दिस, पहाड़ पत्थर और बहुत सारी चीजें, और ये अपना उड़नता पंछी उड़ान लेते हुए, पप्पू भाई अपना कैमरा पर्सन अपना ड्रोन पर्सन ये अपना जादू दिखाने के लिए तैयार, और अपना ये हेलीकॉप्टर ऊपर जाएगा और काफी कुछ मस्ती होने वाला है। टिल दैट पॉइंट यू गाइस हैव फन। सो एज यू गाइस सी ये अपना उड़ंता पंछी उड़ान लेते हुए अब जाएगा पूरा घाई की तरफ, नीचे जाएगा और व्यू लेगा। यहाँ पे अभी जो देख रहे हो ये एक अच्छा स्पॉट दिखा मेरे को, जहाँ मुझे लगा कि मैं नेचर के साथ मिल सकता हूँ। थोड़ा नीचे गया मैं, पूरा पहाड़ के नीचे गया था मैं, समथिंग अराउंड 100 और 150 फीट में पूरा नीचे चला गया था। एंड जब वहाँ पे काफ़ी गड्ढा था लेकिन पत्थर थे, और मुझे लगा कि मैं जा सकता हूँ वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा व्यू भी मिला मेरे को वहाँ पे। कैमरा नहीं ले पाया लेकिन पप्पू भाई ने मेक श्योर किया कि मैं वहाँ पे जाऊँ और उसका विजुअल्स मिले मेरे को, और थैंक्स टू पप्पू भाई जिसने वो सब चीज़ें खींचा है, आप लोग देख ही सकते हो। एंड वहाँ पे मैं काफ़ी टाइम बैठा भी और ब्रश वश किया, और काफ़ी मज़े लिए। आप लोग मज़े लो, देखो, और आई होप कि आपको अच्छा लग रहा हो ये वीडियो। टिल दैट पॉइंट और कुछ कुछ चीज़ें भी शूट हुए हैं, जैसे कि वाटरफॉल हो गया, मृदुबंदा वाटरफॉल बोल के वहाँ पे एक है, उसका भी शूट हुआ है, वो भी देखने को मिलेगा आगे ब्लॉग में। सो यू गाइस हैव फन एंड वेट फॉर दैट। ये इंसान पागल हो गया है, थोड़ा देख लो उसको, उसका हरकत थोड़ा देख लो, बंदर जैसा आ रहा है, देखो देख लो इस बंदर को देख लो। सो एज यू गाइस सी हम लोग आ चुके हैं मृदुबंदा वाटरफॉल विच इज़ नियर बाय दारिंगबाड़ी, दारिंगबाड़ी से 15 किलोमीटर दूर है, और हम थोड़ा आगे पूछ के आए थे। एंड एट द सेम टाइम आई प्रोमिस्ड यू कि मैं ये इस जगह को लेके आऊँगा बिफोर ऑल्सो, सो आई केम इन टू दिस प्लेस, और एक वाटरफॉल है उधर भी जाएंगे, और यहाँ पे ड्रोन शॉट्स भी होने वाले हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, एंड चलिए शुरू करते हैं और आज का जर्नी आपको दिखाते हैं। फील डालते हैं यू गाइस आर हैविंग फन, आई होप कि आप लोग को फन एंड एंटरटेनमेंट मिल रहा होगा। अगर हम लोगों का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हम लोगों का एक तो सब्सक्राइब और एक तो लाइक दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड एट द सेम टाइम डू लेट मी नो व्हाट योर कमेंट्स आर, एंड कुछ अगर चैनल के बारे में सोचते हो तो प्लीज लेट मी नो। एंड काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाले हैं, जैसे कि दारिंगबाड़ी का हो गया, इसके बाद भवानीपटना का है, और सपवा डैम ढेंकानल का है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं which is planned already, and हम एक के बाद एक ऐसे करके मैं पूरा ब्लॉग्स आपको दिखाता रहूँगा। एंड पीछे अपना प्रकाश भाई जो अपना वीडियोग्राफी कर रहे हैं आज,
मजबूरी पे क्योंकि जो हमारा कैमरा मैन है वो भी आ गया है यार, और उसको हमने थोड़ा बहुत आगे लेने का सोचा और वो ही सामने है और प्रकाश हो यार कैमरा चलो चलते हैं देखते हैं कुछ और चलो निकाले आप लोग देख रहे हो हम उतर रहे हैं और काफी बड़ा सीढ़ी है यार, पैर दुख रहा है कैसे हैं, और लेकिन अभी क्या है कि जो साउंड है ना वो आने लग गया है, ऑलरेडी वाटरफॉल का साउंड आ चुका है। वो एक्साइटिंग मोमेंट है ये हम लोगों के लिए और देखने का देखने के लिए इंतजार है। एक्चुअली हमको मिलते ही हम शुरू हो जाएंगे फोटोग्राफी और ड्रोन का शॉट्स लेने के लिए, यानी फुल ऑन मस्ती फुल ऑन मजाक चल रहा है। साइड में वाटरफॉल का पानी देखने को मिल चुका है मेरे को, अब ऐसा है कि भाई डूब जाने का मन है। व्हाट द हेल इज हैपनिंग देयर आई डोंट नो, बट कुछ तो है। हम लोग के चिल्लर पार्टी लोग भी आए गए, अपने दोस्तों को मिलाएंगे हम, जो लोकल चिल्लर पार्टी है उनसे भी मिलाएंगे आप लोगों से। एंड एट द सेम टाइम ओए अरे तुम्हें ब्लॉग में आना है कि नहीं, अरे क्या साउंड हो रहा है पता नहीं कुछ है, क्या साउंड हो रहा है रे पुक पुक, कौन सा पुक कौन सा पुक कौन सा पुक है अबे तू अपना वाटरफॉल दिखा ना हमको, ये लोकल बंदे इधर और एक वाटरफॉल है ना कहाँ पे कौन सा नाम क्या है वो बड़ा है कि ये बड़ा है वो बड़ा है। तो ये पानी नीचे जाता हुआ ऐसा सीन है और ये आ गए हैं हम इधर और पप्पू भाई आते हुए एंड प्रकाश भाई भी आ रहे हैं और ये दोनों काफी खुश हैं। एट द सेम टाइम मेरा भी व्यू मिलेगा आपको, ये वाला वाटरप्रूफ काफी अच्छा है आप लोग पकड़ो।